everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग का पार्ट है सीटी, दैट इज योर कोडिंग एंड डिकोडिंग. एंड आज का जो लेक्चर नंबर है दैट इज योर लेक्चर नंबर 85. ऑलरेडी हम इससे पहले 84 लेक्चर्स कर चुके हैं, आज 85 लेक्चर है. इस 85 लेक्चर में सबसे पहले जो हमने टॉपिक कवर अप किया था वो एनालॉजी डिस्कवर किया था. एनालॉजी में जिसमें हमने 150 से 200 क्वेश्चन कर लिए थे. देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को टॉपिक को उठाया था जिसमें हमने 150 क्वेश्चन किए थे. देन सीरीज कॉम्पिटिशन उठाया था, उसमें हमने 100 से 150 के बीच में क्वेश्चन किए हैं. एंड देन मूविंग ऑन विद नेक्स्ट, दैट अभी जो फोर्थ टॉपिक चल रहा है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी चल रहा है. सो कोडिंग एंड डिकोडिंग में ऑलरेडी हमने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं, 111 क्वेश्चन से करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी टाइप 4 तक तो डिस्कस कर लिया है, टाइप 5 भी डिस्कस कर रहे हैं, बट टाइप 6 से फिर हम फर्दर क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे. सो हियर, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो भी हम वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल लगे, कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी आपने नया सीखा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. मूविंग ऑन विद आज की क्लास की बात करते हैं, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 111th क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं. सो हियर यू कैन सी दैट 111th क्वेश्चन, एंड दैट द क्वेश्चन इज दैट इज इनवर्टेड कॉमा, दीस आर द अल्फाबेट, दीस आर द वर्ड्स, दीस आर कोडेड एज इन द वे ऑफ कोडिंग लैंग्वेज. सो द इन दैट मैनर यू हैव वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट हियर. एंड हियर यू कैन सी दैट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 111, दैट इज पिट dir now that is coded as you are good, and then dir talk pa that is coded as good and bad, and then next is your tim not talk, that is timnatok talk, they are coded as they are bad. And after that, in that language which word stands for they kya word stand kar raha hai, that what we have to understand and that what we have to find out. Ye bank pa question paper mein pucha gaya hai. ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज स्टेम, ऑप्शन बी इज टॉक एंड ऑप्शन सी इज पिट. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव टू फाइंड द कोडिंग ऑफ दे की कोडिंग फाइंड आउट करना है. सो स्टार्ट फाइंडिंग आउट. सो हियर व्हाट वी हैव टू सी कि दे कहाँ कहाँ पे आया है. यू आर गुड यहाँ पे दे नहीं आया, सो मतलब पिट डर ना इसमें से कोडिंग नहीं होगा. दैट टक पा दैट इज गुड एंड बैड, एंड टिम ना टॉक दे यहाँ पे आया है. ठीक है, दे आर बैड. सो हियर यू कैन सी दैट दे यहाँ पे हमें देखेंगे इस सब की कोडिंग में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन दोनों में नहीं आया है. सो दैट द वर्ड स्टैंड फॉर द दे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यू आर गुड. यू आर गुड देखेंगे, दे आर बैड, तो आर है, आर का मतलब है मीन्स यहाँ से कुछ एक चीज़ है जो कि नहीं होगा. दैट इज योर पिट डर ना, पिट डर ना नहीं होगा क्योंकि दिस इज कोडेड एज फॉर आर. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर डर टॉक पा, डर टॉक पा इज स्टैंड फॉर गुड एंड बैड. सो गुड एंड बैड दैट इज बैड के लिए इन्होंने कोड किया है डर, सॉरी यार डर टॉक टॉक किया है, तो टॉक इज नॉट इंक्लूडेड हियर. सो जो हमारा दे है दे के लिए कोड किया गया है टिम, तो टिम विल बी द राइट आंसर एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, दिस इज आस्क्ड इन योर बैंक पीओ क्वेश्चन पेपर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 112, पिट ना सॉम दैट इज कोडेड एज ब्रिंग मी वाटर, ना जो टॉज दैट इज कोडेड एज वाटर इज लाइफ, टॉप ऑट पिट दैट इज गिवन कोडेड एज गिव मी टॉय, जो लिंक कॉट दैट इज कोडेड एज लाइफ एंड डेथ. विच वर्ल्ड रिप्रेजेंट इज, कौन सा ऐसा वर्ल्ड है जो इज को रिप्रेजेंट करता है, ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. एंड द ऑप्शंस यू हैव इज ऑप्शन ए इज एन ए ना, बी इज टी ओ डी, एंड सी इज दैट इज जियो. सो व्हाट यू हैव टू सी कि इज कहाँ कहाँ पे आया है. ब्रिंग मी वाटर नहीं आया, सो दिस वॉज नॉट कोडेड एज वाटर इज लाइफ, यहाँ पे आया है. एंड देन वी गिव मी ट्राई, सो हियर इट इज ऑल्सो नॉट ड्रोलिंग लाइफ एंड वाटर, इट मीन्स यहाँ पे आया वाटर इज, तो इसमें से या तो ना होगा या जो होगा या टॉट होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा. सो लेट वी सी कि वाटर के लिए और लाइफ के लिए इन्होंने यहाँ पे कहाँ पे कोड किया. ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर, वाटर यहाँ आ रहा है, वाटर के लिए यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, पिट ना सॉम, सो ना इज कोडेड फॉर वाटर, सो ना इज नॉट देयर. ओके, फिर हम देखेंगे
लाइफ के लिए, लाइफ यहाँ पे कहाँ पे आया है, लाइफ देखेंगे, लाइफ वी कैन से दैट गिव मी लाइफ एंड और डेथ, लाइफ एंड डेथ जो लिंक कार्ड, जो लिंक कार्ड में से कोई एक जो जो है वो कॉमन है, तो जो इज कोडेड एट फॉर लाइफ एंड द रिमेनिंग टॉट इज कोडेड एज फॉर इज, तो टॉट जो है वो इसके लिए कोडेड है, तो वॉट वी से वी द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Moving on with the next question, that is question number 113. POD pod na joy, that is coded as very bright boy. Tam new pod, that is coded as the boy comes. New pot on keep the doll. Joy on su very good doll. Which word bright means? ये भी bank पे question paper में पूछा गया है. And the options you have is option A is pod, B is torn and C is na. सो वी वॉन्ट टू सी कि ब्राइट कहाँ कहाँ पे आया है. वेरी ब्राइट बॉय एक यहाँ पे आया है, द बॉय कम्स एंड कीप द डॉल. सो वॉट वी गेट, वेरी गुड डॉल. सो वट वी गेट कि ब्राइट यहीं पे आया है. सो वी सी दैट कि या तो पॉड होगा, या तो ना होगा, या तो जॉय होगा. अब लेट सी कि वेरी कहाँ पे कोड किया गया, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि वेरी का कोड क्या है, एंड देन वी कैन कैंसिल आउट कि वो नहीं होगा. ओके, फॉर द वेरी वी हैव टू सी द सेंटेंस ऑफ बॉय कम्स. ओके, बॉय का कोड चेक कर लेते हैं. बॉय का, या द बॉय कम्स का क्या होगा, टैम नू पॉड. सो पॉड इज कोडेड एट फॉर बॉय, सो पॉड नहीं होगा. एंड देन फॉर मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इज कीप द डॉल. कीप द डॉल हमें चाहिए नहीं, हमको सिर्फ एक वेरी चाहिए. बॉय मिल गया है, बॉय इज नॉट देयर. वेरी चाहिए, वेरी इज वेयर, वेरी गुड डॉल दैट इज कोडेड एज जॉय टॉन्सू. जॉय टॉन्सू इट मीन्स जॉय इज कोडेड फॉर दैट वेरी. सो वी डोंट वॉन्ट दिस. Okay, so and the next is your na, and the answer should be the na. Okay, so option A is pod, B is torn, and C is na. That C is option is the right answer. Okay, these are the things, these are the ways where you can apply these ways and you can find out the answer in an easy manner as well. So itna tough bhi nahi hai, but itna easy bhi nahi hai. Without practice to aapko tough lagega hi lagega, that is for sure. But agar aap usko practice kar rahe ho, to I don't think so ki aisa koi bhi question hoga jo aap nahi kar sakte ya nahi kar paoge. So you can have to do the practice more. Okay, moving on to the next question, that is question number 114. So here you can see that 114, Poki Top Ma, that is coded as Usha is playing cards. Kop Jo Ki Ma, that is coded as Asha is playing tennis. Ki Top So Fo, that is they are playing football. And Po Sor Kop, that is cards and tennis. And so you have to find out the about the Asha. Asha ka aapko code nikalna hai. And yeh RBI ke question paper mein pucha gaya tha. Okay, so option A hai aapka ja, B is ma, and there is C is cop. Okay, so let's see ki Asha kahan kahan pe aaya hai. So Usha is playing cards, so yahan pe to nahi aaya. Asha is playing tennis, so here Asha aaya hai. Then they playing football and food cards are there. So Asha to aa gaya. Now we have to find out ki cop, ja, ki and ma mein se koi ek hua. Is playing tennis ka hume code nikala hai. So what we have to do, for example, we have to find out playing. Playing ka code nikalte hain, because upside we can see that playing and is this there. So is of playing ka to hume already nikal aayega. So let's see ki is ka ke liye kya code kiya gaya hai. Is and playing ke liye. So let's see for this code, cop, ja, ki, ma. Cop, ki hoga and ma. Ki and ma jo hai, वो आपका नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर कोडेड एज योर इज एंड प्लेइंग. ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट, टॉप और पो बचा है, जिसमें से एक कोड आपका होगा फॉर योर टेनिस. सॉरी, हियर यू कैन सी दैट कॉप और जा जो है, इन दोनों में से एक होगा टेनिस के लिए और एक होगा आपका योर फॉर आशा. ओके, सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंसेस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. दे आर प्लेइंग फुटबॉल हमें नहीं चाहिए, हमको टेनिस वाला चाहिए. फॉर जा कॉट टेन टेनिस. Post or cop. Post or cop का मतलब है cop is common in this, so cop is not there. And the answer is your Asha is coded for ja, and the option A is the right answer. क्योंकि here it is option A is ja, and that is ma, and that is cop. So the RBI question, the option J, ja is the right answer. Moving on with the next question, that is question number 115. Ni muk pi, that is created as grave and concern. Il dai so. Everybody else turn ni so body and some. Which of the following word means every concern? हमें दो वर्ड का मतलब निकालना है, and that is every concern. Bank PO के question paper में पूछा गया है. Here you can see the option is dick pic, B is can't be determined, and C is picnic.
ओके सो वट वी हैव टू फाइंड आउट एवरी कंसर्न. सो वट वी हैव टू सी कि एवरी कहाँ पे आया है एंड द कंसर्न. कंसर्न मुझे यहाँ पे मिल गया फर्स्ट सेंटेंस में एंड एवरी इन द सेकेंड सेंटेंसेस. ओके एंड या नाउ वी कैन हैव टू फाइंड आउट ग्रेव एंड के बारे में हमें फाइंड करना है एंड बॉडी एल्स. सो यहाँ पे तो ग्रेव भी नहीं आया एंड आया भी नहीं. बॉडी एंड सम, बॉडी एंड सम इट मीन्स एंड के लिए यहाँ पे टुर मुक सो, टुर मुक सो. सो मुक ले सकते हैं कि फॉर कोडेड एज फॉर एंड. अब एंड का मिल गया तो एंड तो नहीं होने वाला, मुक भी नहीं होने वाला. सो ग्रेव के लिए निकालेंगे. ग्रेव के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई सेंटेंस दिया ही नहीं है फाइंड आउट करने के लिए कोड. सो वी कांट से कि पिक होगा कि नहीं होगा. सो वी कांट कंफर्म तो कैन बी डिटरमाइन. सो दैट वाज द आंसर. सो बेसिकली अगर कोड दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड इट आउट, बट कोड ही नहीं दिया है तो वट हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. ये बैंक पे तो क्वेश्चन पे पूछा गया है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 116 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन एज वेल. So the question number 116 is Sinto Bali TSITC Nasro, that is coded as her village is Sarurpur. Me Sinto Kipi Tisi Nito Oind, that is her first love is literature. Oind Geist Tisi Sinto Piki, that is literature collection is her hobby. Which world would mean literature? आपको literature का world का मतलब बताना है कि क्या इन्होंने यहाँ पे कोड किया है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन इज आस्क इन योर बैंक पे क्वेश्चन पेपर. ऑप्शन ए इज बाउली एंड सी बी इज जाइट एंड सी इज ओइंट. सो इन दीज थ्री, इन तीनों में से ही कोई एक होगा जिसमें से आपका आंसर होगा. सो लेट स्टार्ट विद लिटरेचर कहाँ कहाँ पे आया है. हेयर यू कैन सी दैट द लिटरेचर इज देयर. ओके इन द हेयर एंड द लिटरेचर इज हेयर. सो इन दोनों में जो कॉमन वर्ड होगा, लेट्स सी कि और कोई कॉमन तो नहीं है. हर देखते हैं, हर यहाँ पे है. ओके है फर्स्ट, फर्स्ट इज कोडेड एज यहाँ पे नहीं है. लव इज ऑल्सो नॉट कोडेड, इज ऑल्सो कोडेड. एंड सो ओके वी हैव टू फाइंड आउट द लिटरेचर वन. सो मी सिंटो की पी टी सी ओइंट में से ही होगा. ओइंट जाइट टी सी सिंटो पी की. अब टी सी यहाँ पे भी है पर यहाँ पे लिटरेचर नहीं है. इसका मतलब है जो टी सी जो दोनों को मैं कॉमन था वो कैंसिल हो गया. ओके मिही सिंटो कीपी ओइंट ओइंट जाइट सिंटो. सिंटो के लिए चेक करेंगे. सिंटो के लिए यहाँ पे लेट सी फॉर द सिंटो इधर भी है तो ये दिस कोडेड कैन बी कोडेड एज फॉर हाउ ऑल्सो. तो सिंटो भी नहीं होगा. ओके अब देखते हैं मिही कीपी ओइंट एंड ओइंट जाइट पी की. सो वी द आंसर इज ओइंट. लिटरेचर इज कोडेड एज फॉर ओइंट एंड द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके तो क्लास इस तरह से आप निकालोगे कोडिंग के लिए. अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आई थिंक दैट इज इजी एंड आप बहुत आराम से निकाल लोगे. बट अगर प्रैक्टिस नहीं किया है सो दैट मेक्स योर प्रॉब्लम. तो प्लीज़ गो थ्रू करो सारे क्वेश्चंस को, अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर आपको यू नो क्वेश्चंस चाहिए ज़्यादा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी. सो ऑल दीज थिंग्स वर द क्वेश्चंस, दीज आर नॉट दैट मच टफ एंड नॉट दैट मच ईजी एज वेल. बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत टफ लगेगा, आपको सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगेगा. दिमाग के साथ साथ आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो दिमाग भी काम करने वाला नहीं है. सो गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड डन फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एंड टिल दिस 85th क्लास. सो इफ यू गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस यू कैन अचीव ऑल द वॉट वी हैड टॉट द बेसिक्स. यू कैन गेट दैट ऑल्सो एंड डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियो सो दैट मेनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एज वेल. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.